अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग भाई। आज की इस वीडियो में मैं ओप्पो के अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन को डिस्कस करने वाला हूं, ओप्पो रेनो 11 5G, जिसको इसी वीक में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। इस वीक में लॉन्च नहीं होता तो नेक्स्ट वीक में 100% पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आप लोग को पता है कि ओप्पो काफ़ी टाइम से खामोश बैठा हुआ था। रिसेंटली इन्होंने अपने कुछ फ़ोन लॉन्च किए हैं, ओप्पो A18, ओप्पो A58 और ओप्पो A78, लेकिन रेनो सीरीज़ को लॉन्च किए हुए बीत गई है भाई। काफी टाइम से रेनो सीरीज को लॉन्च नहीं किया गया। रेनो 6 सीरीज के बाद कोई भी रेनो सीरीज का फोन पाकिस्तानी मार्केट में नहीं आया। ना रेनो 7 आया, ना रेनो 8 आया, ना रेनो 9 आया और ना ही रेनो 10 आया। लेकिन इस वीडियो में मैं रेनो 11 5G के बारे में डिटेल में बात करूंगा कि इस फोन के अंदर क्या इंप्रूवमेंट की गई है। बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम है रेहान, मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट बनाता रहता हूं, तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोग का एक लाइक मुझे काफी ज़रा मोटिवेट करता है, शेयर भी करना है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस फोन के डिस्प्ले से। बेसिकली इस फोन में 6.7 इंचेस का एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आप लोग 4K में वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 30fps का ऑप्शन ही मिलेगा। यानी कि 4K के साथ 30fps, 1080p के साथ 30fps का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अच्छी बात है कि भाई फ्रंट सेल्फी कैमरे में EIS का सपोर्ट मिल जाता है। सो ओवरऑल इस फोन का डिस्प्ले काफी ज्यादा तगड़ा प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा मजीद भी स्पेसिफिकेशन मिल जाती है डिस्प्ले में, जैसा कि 950 निट्स पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। इसके अलावा AGC ग्लास की प्रोटेक्शन भी डिस्प्ले पर मिल जाती है। डिजाइन को डिस्कस करूं तो डिजाइन इस फोन का दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। पर्सनली इस फोन का डिजाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। खास तौर पर जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है वो आप लोगों को एक नए स्टाइल में मिलता है, जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। खैर, डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग है, डिस्प्ले बहुत ज्यादा अच्छा प्रोवाइड किया गया है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के बैक कैमरा की। बेसिकली स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, जिसमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है जो कि OIS के साथ आता है। सेकेंडरी 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जिसमें आपको 2x ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट भी मिल जाता है। थर्ड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल जाता है और आप लोग स्मार्टफोन के बैक कैमरे की हेल्प से इजीली 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 4K 60fps का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड बैक पर आप लोग को OIS का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब कि स्मार्टफोन का बैक कैमरा एक तो स्टेबलाइज होने वाला है और दूसरा काफी अच्छी क्वालिटी आप लोग को प्रोवाइड करने वाला है। उसकी रीजन यह है कि भाई ये ओप्पो का फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करूं तो भाई ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। साथ ही यहां पर आपको ओप्पो का लेटेस्ट UI ColorOS 14 भी मिल जाता है। चिपसेट की बात करूं तो भाई इस फोन के अंदर आप लोगों को एक 5G चिपसेट मिलने वाला है। जी हां गाइस, मैं बात कर रहा हूं MediaTek Dimensity 7050 की, जो 6 नैनोमीटर पर काम करता है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। अब ये चिपसेट इतना ज्यादा तगड़ा है कि इस फोन के डे टू डे टास्क, मतलब के हैवी टास्क इजीली हैंडल कर लेगा। मेमोरी वेरिएंट की बात करूं तो भाई स्मार्टफोन के 2-3 वेरिएंट हो सकते हैं। 8GB रैम 128GB की रोम, 8GB रैम 256GB की रोम, 12GB रैम 256GB की रोम। पाकिस्तान में कौन सा वेरिएंट लॉन्च किया जाता है ये तो अभी कंफर्म नहीं है, इसी वीक के अंदर कंफर्म हो जाएगा तो आप लोगों को जरूर बता दिया जाएगा। इसी के साथ डुअल सिम का स्लॉट है, लेकिन यहां पर आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट प्रोवाइड नहीं किया गया। अच्छी बात यहां पर यह है कि इस फोन के अंदर आप लोगों को UFS 2.2 वाली स्टोरेज मिलती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है, साथ ही फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। लास्ट में बात करते हैं बैटरी की, तो ये फोन टाइप सी के साथ आता है, 5000mAh की बैटरी है, जिसके साथ आप लोगों को 67 वाट यानी कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। मतलब कि ये फोन जो है वो 35 से 40 मिनट के अंदर 0 to 100 फुल हो जाएगा। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट ये फोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से तो काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, लेकिन हर चीज डिपेंड करती है स्मार्टफोन की प्राइस पर। अब देखते हैं कि भाई इस फोन की पाकिस्तान में प्राइस क्या आती है। अगर तो ये फोन अच्छी प्राइस में लॉन्च किया जाता है तो डेफिनेटली ये वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर ये फोन ओवर प्राइस लॉन्च किया जाता है तो फिर आप लोगों को पता है कि फोन की सेल जो है वो गिर जाएगी, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग कम परचेज करेंगे। खैर, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो भाई ग्लोबली मार्केट में जो प्राइस है उसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 1,20,000 के करीब बनती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन अगर पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो लगभग 1,40,000 या फिर 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख के लगभग लॉन्च किया जा सकता है। लेट्स सी इसकी प्राइस क्या आती है, जैसे ही आती है तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। अब बहुत सारे दोस्तों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि
रेहान भाई आप प्राइस एग्जैक्ट क्यों नहीं बता रहे, जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है एग्जैक्ट प्राइस का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। तो जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है इसी पे फिलहाल जो है गुजारा करें, जैसे ही प्राइस कन्फर्म होगी आप लोगों को ज़रूर बताया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।